हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आशा है कि आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आटे का बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही हेल्दी नाश्ता, जो कि बहुत ही इजी तरीके से बनकर तैयार होगा और बच्चे और बड़ों को खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। फ्रेंड्स, मैदे से आपने बहुत बार नाश्ता बनाकर खाया होगा या फिर सूजी से बनाया होगा, लेकिन जो आज मैं आपको नाश्ता बनाकर दिखा रही हूँ वो आटे से बनेगा और वो आपके लिए काफ़ी हेल्दी होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये खाली बाउल लिया हुआ है। बाउल में हम डालेंगे एक कटोरी आटा। आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिए कि आपकी फैमिली में मेंबर कितने हैं। तो देखिए, मैंने एक कटोरी आटा ले लिया है। इसी में हम डालेंगे 1 स्पून घी, स्वाद अनुसार नमक और 1/2 टीस्पून अजवाइन। ये ऑप्शनल है, अगर आपके बच्चे खाना पसंद करते हैं तो आप इसे ज़रूर डालिएगा, क्योंकि यह पेट के लिए काफ़ी अच्छी होती है। तो देखिए, मैंने 1/2 टीस्पून इसमें अजवाइन डाल दी है। और अब हम अपने आटे को गूंथ लेंगे। सबसे पहले मैं जो इसके अंदर हमने मोइन डाला है उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अब मैं इसमें थोड़ा सा 1 स्पून और घी डाल देती हूँ, क्योंकि जो मैंने घी डाला था वो कम था। तो देखिए, मैं इसमें थोड़ा सा घी और डाल दिया है और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे आटे के अंदर। तो देखिए, मैंने इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा पानी। हम इसका आटा गूंथ कर तैयार कर लेंगे। बिल्कुल आटा आपको जैसे रोटियां बनाते हो उस प्रकार का बनाना है, ना तो ज़्यादा टाइट और ना ही ज़्यादा लूज। मीडियम आटा आपको गूंथ कर तैयार कर लेना है। पानी आपको एकदम से नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे अपने इस डो को तैयार कर लीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने इसका बहुत ही अच्छा और बहुत ही सॉफ्ट डो तैयार कर लिया है। 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। तो इसे मैं ढककर एक साइड में रख देती हूँ। तब तक हम इसके अंदर का जो हमें मसाला बनाना है वो तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने लिया हुआ एक खाली बाउल। बाउल में हम डालेंगे आलू। तो आलू आप अपने अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा। ये मैंने 2 आलू क्रश कर लिए थे और मैं इनमें से आधे आलू इसमें डाल लेती हूँ। और फ्रेंड्स, मैंने इसे 2 से 3 बार धो लिया था ताकि इसका जो अंदर का स्टार्च है वो सारा निकल जाए। और अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून शिमला मिर्च, पेप्सिकम, 2 स्पून गाजर, ये मैंने क्रश कर ली हैं। आप वेजिटेबल अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वही इसमें यूज़ कर लीजिएगा। ये कटी हुई हरी मिर्च है, अगर आप खाना पसंद करते हो तो आप डाल लीजिएगा। और फ्रेंड्स, ये 2 से 3 चम्मच मैं इसमें प्याज डाल लूँगी। ये मैंने बारीक काट लिए थी। तो देखिए, मैंने इनको बारीक काट के यूज़ किया है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने इसमें 2 स्पून ऑनियंस डाल लिए हैं। अब हम डालेंगे 2 चम्मच इसमें कटे हुए बारीक टमाटर और ये भरपूर मात्रा में धनिया। तो अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। मसालों में मैंने लिया हुआ है 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और थोड़ा सा इसका फ्लेवर चेंज करने के लिए इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून चाट मसाला। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहो तो डाल लीजिएगा। ये थोड़ा सा मैंने इसमें चाट मसाला डाल लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा इन्हें स्पाइसी बनाने के लिए मैं इसमें डालूंगी चिली फ्लेक्स ऑर्गेनिको। चिली फ्लेक्स की जगह मैंने इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च, ये लाल मिर्च डाल दी है। और अब मैं ये मैंने 1-1 रुपये के पाउच मंगवा रखे हैं, वहीं मैं इसमें चिली फ्लेक्स डाल दूँगी, इससे इसका फ्लेवर काफ़ी अच्छा आएगा। और अब हम सभी मसालों को और अपने इन पेस्ट को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, वेजिटेबल आप इसमें कोई भी डाल सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वही वेजिटेबल आप ले लीजिएगा। तो देखिए, मैंने इसमें सभी मसाले डालकर मैं इन्हें हाथों से मिक्स कर रही हूँ। तो देखिए, इसमें हरे धनिए की पत्तियों की वजह से ये काफ़ी अच्छा पेस्ट दिख रहा है। इसमें ग्रीनिस्ट काफ़ी अच्छी आई हुई है, आप देख सकते हो। अब हम इसे एक साइड में रख लेंगे और जो मैंने डो अपना 10 से 15 मिनट के लिए रखा था उसे हम देख लेते हैं। तो देखिए, अब मैं इसी के ऊपर अपने डो को रख के थोड़ा सा मसल दूंगी।
10 से 15 मिनट के लिए मैंने इसे रेस्ट के लिए छोड़ दिया था और एक तरफ मैंने अपने भगोने में पानी रख दिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इसके चार पीसेस बना लूँगी। ये एक्स्ट्रा पीसे इसे निकाल देती हूँ और इनकी हमें अच्छी सी लोई बना लेनी है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने चॉपर लिया है, इसी के ऊपर हम इसकी रोटी बना लेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैंने कोई मैदा या सूजी नहीं लिया हुआ है, ये हम नॉर्मली रोटी आटे से बनाकर दिखा रहे हैं आपको। और इस नाश्ते को अगर आप एक बार एंजॉय करेंगे तो आप बार बार बनाकर खाएंगे। ये बहुत ही यम्मी और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। तो जो ये रोटी आपको बढ़ानी है, ये आप अपने अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं, जितनी बड़ी छोटी जितनी भी आप बनाना चाहो उतनी बना सकते हो। वो आटे के अकॉर्डिंग भी बनेगी, जितने आप लोई लोगे उतनी ही आपको ये रोटी बनाकर तैयार करनी है। तो देखिए, मैंने रोटी को ये साइज़ दिया हुआ है, ना तो ज़्यादा मोटी है ना ही ज़्यादा पतली है। आपको इस साइज़ की रोटी बनाकर एक साइड में रख देनी है। और अब मैं दूसरी रोटी को बेल लेती हूँ। तो इसी तरह आपने आपको 3 से 4 रोटियाँ आपने बेल लेनी हैं। ये बहुत ही इजी तरीके से बन जाती हैं, जैसे नॉर्मली रोटियाँ आप बनाते हो इसी तरीके से आपको ये रोटियाँ बेल कर रख देनी हैं। तो देखिए, आप देख सकते हैं मैंने चारों तरफ से इसे बिल्कुल एक जैसी बनाया है, ना तो वो कहीं से भी मोटी है और ना ही ज़्यादा पतली है। तो ये रोटी मैं दूसरी रोटी के ऊपर रख लेती हूँ। अब हम तीसरी को भी इसी तरह बढ़ा लेंगे। आपको जैसे कि मैंने बताया कि मैंने यह 4 रोटियाँ तैयार करनी हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये रोटी जैसे कि मैंने अब ये रोटी ले ली है, रोटी के ऊपर हम अपना जो मैंने अपना वेजिटेबल पेस्ट बनाया है उसे फैला लेंगे। तो देखिए, इसे हम अच्छे से चारों तरफ फैला लेते हैं। और अब इसी के ऊपर हम दूसरी रोटी रख लेते हैं। और जो नीचे से हमने थोड़ा सा बचा हुआ इसमें पानी लगा लेते हैं ताकि ये नीचे से चिपक जाए। आप चाहो तो ब्रश की सहायता से भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसे उंगलियों से लगा रही हूँ क्योंकि ये कॉर्नर पर ही लगाना है बस, जिससे कि ये बीच में से खुले नहीं। तो देखिए, अब हमें इसे थोड़ा थोड़ा दबा देती हैं। अब इसके ऊपर भी हम पहले ही पानी लगा लेते हैं। देखिए, इसके ऊपर मैंने पहले ही पानी डाल लिया है। और फिर से हम वही पेस्ट जो हमने अभी अभी आपको बना के दिखाया था वो डाल लेंगे और इसे अच्छे से फैला लेंगे। और दूसरी रोटी भी हम इसी प्रकार इसके ऊपर रख लेंगे और इसे भी अच्छे से नीचे से दबा देंगे ताकि यह नीचे से चिपक जाए। अब हम फिर से जो पेस्ट बचा हुआ है वो भी इसी पर डाल देंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, सब्जी मसाले जो भी आप इसमें वेजिटेबल डालें वो अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अगर आपके पास कॉर्न वगैरह हो तो वो भी डाल लीजिएगा, या फिर पनीर हो तो उसे भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। मेरे पास जो अवेलेबल थी मैंने वही ली हुई है। मैंने इस पर काफ़ी अपनी वेजिटेबल डाल ली हैं और अब इसके कॉर्नर पर फिर से थोड़ा हल्का पानी लगा लेंगे ताकि ये चारों तरफ से चिपक जाए। और जो लास्ट की आखिरी रोटी है वो भी इसी पर इस तरह रख देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे रोटी को रख दिया है। अब नीचे की तरफ से मैं हल्का हल्का इसे मोड़ती चली जाऊंगी ताकि हमारा नाश्ता अंदर से खुले नहीं और अच्छे से चिपक जाए, या फिर आप इसे फोक की सहायता से भी इसे दबा सकते हो। देखिए, मैंने इसे चारों तरफ से बंद कर लिया है अच्छे से। तो देखिए, मैंने इसे अच्छे से प्रेस कर दिया है। अब आपको ये रोटी उठानी नहीं है, इसी प्रकार इसे रखे रहने दीजिएगा। अब हम इस प्रकार की एक जालीदार प्लेट ले लेंगे, आप देख सकते हो, और इसी प्लेट पर अपनी इस रोटी को इस प्रकार रख देंगे। तो देखिए, मैंने इस रोटी को इस प्रकार रख दिया है। तो फ्रेंड्स, अब आप सोच रहे होगी इस प्रकार मैं इसे रख कर क्या क्या करूँगी, तो वो भी अभी बताती हूँ मैं आपको। तो देखिए, मैंने अपने पहले ही अपने गैस पर पानी रख दिया था अपने बाउल में, उसमें भगोने में, और इसके ऊपर मैं रख दूँगी अपनी इस रोटी को। तो फ्रेंड्स, अब आप समझ गए होंगे, ये मैं कर रही हूँ स्टीम। तो धीरे धीरे मैं अब इसे स्टीम कर लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने स्टीम होने के लिए इसे अपने भगोने पर रख दिया है और अब हम इसके ऊपर रख देंगे ये ढक्कन, जिससे कि स्टीम हो जाएगी धीरे धीरे। और आप इसे लो फ्लेम पर इसी तरह पकने देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने इसे अपने इस भगोने के ऊपर रख के स्टीम कर लिया है। अब मैं इसे उतार लूँगी और जो मैंने ये
अपना जो पानी है इसे एक साइड में रख देती हूँ और इसके ऊपर हम रख देते हैं ऑयल, क्योंकि हमें इसे स्टीम के साथ अभी थोड़ा तलना भी है। तो ये मैंने ऑयल रख दिया है और फ्रेंड्स आप देख सकते हैं स्टीम होने के बाद ये कितना अच्छा दिख रहा है, आप देख सकते हो। तो धीरे धीरे जब तक यह है हमारा ऑयल गर्म हो रहा है तब तक हम इसे देख लेते हैं। ये हमारा चारों तरफ से अच्छे से स्टीम हो चुका है। अब हम इसे कट कर लेते हैं। यह बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छे तरीके से कट हो जाता है। तो देखिए इस प्रकार हम इसे कट कर लेंगे। आप जितने चाहो इसके पीसेस बना सकते हो और जो भी इसे डिज़ाइन देना चाहो वो दे सकते हो। तो मैं इस प्रकार इसे कट कर रही हूँ। यह बहुत अच्छे से स्टीम हो चुका है। देखिए मैं एक पीस इसमें से कट करके आपको दिखा भी रही हूँ। देखिए ये कितना कलरफुल और कितना प्यारा दिख रहा है, दिखने में भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है। तो इस प्रकार आपको इसे स्टीम करके रख लेना है। तो एक तरफ हमारा ऑयल हल्का हल्का गर्म हो चुका है, इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक। फ्रेंड्स यह नाश्ता बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। और अब हम एक कटोरी ले लेते हैं और कटोरी में हम डालते हैं कॉर्नफ्लोर, या फिर आपके पास मैदा हो तो आप मैदा भी यूज़ कर सकते हो। तो ये मैंने एक खाली बाउल में कॉर्नफ्लोर डाल लिया है 2 से 3 चम्मच और इसे अच्छे से घोल लेंगे। थोड़ा सा पानी और डालेंगे ताकि जो ये कॉर्नफ्लोर का घोल है वो पतला हो जाए, ज़्यादा गाढ़ा ना रहे। ये हमें थोड़ी छोटी कटोरी लगी इसलिए मैंने इसमें नहीं इस बाउल में भिगो लिया है। और अब हम इसे अपने इस कॉर्नफ्लोर के आटे में इसे थोड़ा सा हिलाते रहेंगे ताकि हमारा कॉर्नफ्लोर है जो नीचे की तरफ बैठे नहीं। हमने ये इस प्रकार का नाश्ता बनाया है उसे दोनों तरफ से डिप कर लेते हैं ताकि जो इसमें सब्जियां हैं वो निकले नहीं और बहुत ही अच्छे तरीके से ये बनकर तैयार हो जाए। तो अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। आप इसे थोड़ा हाई फ्लेम पर ना डालें, थोड़ा मंदा करके और तभी डालें। और अब मैं इसे पलट देती हूँ। देखिए जब आप इसमें कॉर्नफ्लोर से इसे दोनों तरफ से भिगो के डालेंगे तो आपका जो ये वेजिटेबल है वो चारों तरफ निकलेगी नहीं, आराम से बहुत ही बढ़िया नाश्ता ये सीख कर तैयार हो जाएगा। आप चाहो तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हो। तो देखिए आप देख सकते हो हमारा नाश्ता बहुत ही अच्छा बनके तैयार हुआ है। अभी हमारा ऑयल ज़्यादा गर्म है तो इसलिए हमारा नाश्ता इतना कुरकुरा और क्रिस्पी बना है। तो धीरे धीरे हम सभी को इसमें से उठाएंगे और इस तरह डीप फ्राई कर लेंगे इसे। तो देखिए इसे भी मैं धीरे से इसमें छोड़ दूँगी ताकि ये भी इसी प्रकार बनकर तैयार हो जाए। आप चाहो तो इसे नॉनस्टिक तवे पर भी सेक सकते हो, लेकिन मैं इस पर इसे डीप फ्राई कर रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स हम एक एक करके सभी नाश्तों को इसी तरह फ्राई कर लेंगे, आप देख सकते हो। और यह काफ़ी हेल्दी नाश्ता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था यह आटे से बनकर तैयार होगा। तो देखिए मैं फिर से आपको बताती हूँ कि आपको इसे किस तरह और किस तरह तैयार करना है। तो देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था मैंने इसे स्टीम कर लिया था। तो अब हम इसे कॉर्नफ्लोर के आटे में डिप करेंगे इस प्रकार ताकि हमारा जो दोनों तरफ से सब्जियाँ दिख रही हैं वो निकले नहीं। और इसे इसमें ऑयल के अंदर डाल देंगे। और जो ये इसमें पहले से ही दो नाश्ते थे उन्हें निकाल लेंगे और इसे धीरे धीरे फ्राई होने देंगे। धीरे धीरे करके हमने सभी अपने नाश्तों को फ्राई कर लिया है। जो थोड़ी बहुत सब्जी निकली है वो हमारे कॉर्नफ्लोर में ही निकल गई है, आप देख सकते हो। इसे फ्राई करते हुए ये बाहर बिल्कुल नहीं आती हैं। आपको इसे लो फ्लेम पर ही पकाना है। तो देखिए मैंने एक एक करके अपने सभी नाश्तों को बनाकर तैयार कर लिया है, अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। और जो इसमें है वो धीरे धीरे फ्राई हो रहे हैं, उन्हें भी हम थोड़ी देर में निकाल लेंगे। अब आपको दिखा देती हूँ ये अंदर से कितने बढ़िया और कितने अच्छे दिख रहे हैं, आप देख सकते हो। जितने दिखने में अच्छे दिख रहे हैं उतने खाने में भी बहुत ही कुरकुरे और क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं। अब इसकी थोड़ी सी गार्निश के लिए मैं इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया डाल देती हूँ।
तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारा यह नाश्ता बनकर तैयार हो चुका है। यह बहुत ही बढ़िया और बहुत ही हेल्दी बनकर तैयार हुआ है, क्योंकि ये मैंने आटे से बनाया है। तो फ्रेंड्स, जितना ये दिखने में अच्छा दिख रहा है उतना खाने में भी बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स, इसे एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को अभी के अभी लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं, ताकि आपको हमारी नई वीडियो का लिंक मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, अगले एक न्यू रेसिपी के साथ फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।